मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है. मैं हूँ सोनम मेहता और मेरे साथ है आज प्रदीप पंड्या. हाय प्रदीप. प्रदीप, सबसे पहले शुरुआत अच्छी रही बाजार की, लेकिन आखिरी एक घंटे में बाजार में एक तरफ से भारी गिरावट आ गई जिसमें PSU बैंक्स गए, मिड कैप स्टॉक्स गए, फिर से पिटते हुए दिखाई दिए. आपको ये बाजार किस तरह दिखाई दे रहा है, क्या वजह रही जिसके कारण ये आखिरी एक घंटे में गिरावट आई है? देखिए, आज सुबह हमारी राय यही बन रही थी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक शायद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो सरकारी बैंक अकेले, चूंकि निफ्टी बैंक में उनका बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, तो वो थाम नहीं पाएंगे बाजार को. और हमें नहीं लगता था कि बाजार इनफैक्ट 26,550 के ऊपर भी निकलेगा, पर हम उसके थोड़ा ऊपर निकले तो थोड़ी देर के लिए हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ. मिड कैप्स पर भी जो सुबह हमारी बात हो रही थी वो ये थी कि मिड कैप में पिछले 2-3 दिनों में जो पुल बैक हुआ है उसमें सबके सब स्टॉक चल गए हैं, और जो कुछ खराब क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा चल गए हैं. कुछ एक स्टॉक जो रिलेटिवली शायद बेहतर हैं लेकिन उनमें काफ़ी गिरावट आई ASM में जाने की वजह से या किसी और लिक्विडिटी प्रेशर की वजह से, तो उनमें तो उछाल आया है. पर अब बाजार इसको थोड़ा सा कैसे कि डिस्टिंक्टली देखेगा, कुछ एक स्टॉक्स में गिरावट आनी चाहिए, यहाँ से करेक्शन आना चाहिए, कूल ऑफ होना चाहिए, तो वही हो रहा है. और ये तेज़ी के बाजार में एक छोटा करेक्शन है, इस तरह से आपको देखना चाहिए. कल हो सकता है कि ये करेक्शन दिन के दौरान आपको थोड़ा और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि कल सिंगापुर में जो मीटिंग हो रही है वो चूंकि एशिया में हो रही है तो हमारे टाइम से होगी, US में होती है तो हम आराम से होते हैं कि रात में होगी, नतीजा आएगा, तो इसलिए अगर वहां से एक तस्वीर क्लियर हो जाए उसके बाद शायद ये खत्म हो जाना चाहिए कल. सो आप डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर के मीट की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या मार्केट में इस तरह का डर है कि कुछ नेगेटिव आ जाएगा इस मीट से, या फिर जैसे हम हमेशा कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है वो हमेशा वही करते हैं जो करना चाहते हैं भले कुछ भी आके बोल जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है जिससे बाजार ऑलरेडी घबरा रहा हो, इसके कारण बाजार में गिरावट आती हुई दिखाई दी हो? देखिए, बहुत ज़्यादा जो स्केप्टिक्स हैं हम कह सकते हैं वो ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम इस तरह उठाया जैसे कि नरेंद्र मोदी एक बार अचानक पाकिस्तान चले गए थे, ये बताने के लिए कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो आप हमको दोष मत दीजिएगा क्योंकि हम दोस्ती करने की पूरी कोशिश कर चुके हैं. तो ये भी एक नज़रिया है, लेकिन ये एक छोटा तबका है. बाज़ार में बड़ा तबका उन एक्सपर्ट्स का है जो ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई में एक ऐतिहासिक काम करके दिखाना चाहते हैं. पहले अमेरिकन राष्ट्रपति हैं जिनकी बातचीत हो रही है नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट के साथ, तो उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया है और उनको भी मालूम है कि कल के कल किम जोंग उन उनसे कहें कि ये लीजिए हमारे सारे न्यूक्लियर बॉम्ब और कल से हमारी दोस्ती, वो तो होगा नहीं, वो तो होगा नहीं. तो जो रियलिस्टिक टेक अवे देखिए आपको जो लेना चाहिए उससे, अगर ये बात निकल कर आए कि बातचीत संतोषजनक थी और अमेरिका ये संकेत दे कि अगले दौर की बातचीत होगी, वो आगे और बात करने को तैयार है. नॉर्थ कोरिया तो लगातार कहेगा हम बात करने को तैयार है, अगर अमेरिका से बयान आए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करें और कहें कि ये बातचीत जारी रहेगी, हम अपना एक डेलीगेशन भेजेंगे या हम किम को अमेरिका आने का न्योता देंगे, ऐसा कुछ करते हैं, हालांकि वो आएंगे नहीं लेकिन तो बातचीत आगे होगी, ये ऐसा कोई संकेत आए तो उससे खुश होना चाहिए और उसी को पॉजिटिव मानना चाहिए. उससे ज्यादा आउटकम पहली मीटिंग में और कुछ नहीं आ सकता. अच्छा, और फेड की बैठक भी हो रही है, ऑलरेडी शुरुआत हो रही है इसकी कल से 13 को, बल्कि हमारे बाजार में 14 को मॉर्निंग में हम लोग को आइडिया आ जाएगा कि क्या हुआ है. वहां से कोई किसी तरह का डर है क्योंकि एक रेट हाइक की मार्केट एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है, क्या इसके कारण कोई दबाव हमारे मार्केट पर पड़ सकता है? देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जी. कुछ लोग ये मान रहे हैं कि थोड़ी सी कमेंट्री डबिश हो सकती है. और अब देखिए, ऑलरेडी अमेरिका में सेंट्रल बैंक के क्या रेट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, मार्केट में क्या रेट है ये इम्पोर्टेंट होता है. और मार्केट ने दो बार आपको ये दिखाया है कि अगर 10 साल के अमेरिकन बॉन्ड की यील्ड 3% के ऊपर निकल जाए तो केवल US मार्केट ही नहीं दुनिया के बाजार हिल जाते हैं. तो इस समय दुनिया में इतना मोमेंटम नहीं है कि आप बहुत ऊंची बॉन्ड यील्ड एक्सेप्ट कर पाए, तो हो सकता है कि आपको कमेंट्री कुछ ऐसी दिखाई दे कि रेट बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो रही है, थोड़ा कंफर्ट वहां से बाजार ले सकता है. और अगर ऐसा हो और अगर आपको अमेरिकन बॉन्ड यील्ड में और डॉलर इंडेक्स में एक रिएक्शन कूल ऑफ होने का दिखाई दे, और वहां पर देखिए ECB की मदद भी आएगी, बिल्कुल. अगर ECB थोड़ा हॉकिश हो जाए तो यूरो मजबूत होगा तो डॉलर रिलेटिवली कम होगा, तो वो अगर कूल ऑफ होता है तो इनफैक्ट सारे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और हमारे लिए और कुछ हद तक कमोडिटीज के लिए भी ये पॉजिटिव होगा. चलिए, बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स हैं जिस पे हमारा ध्यान बना रहेगा पूरे हफ्ते.
काफी सारे सवाल आ गए हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे पढ़ रही हूँ वो अश्विनी कुमावत जी का है, उनका सवाल है स्पाइसजेट और अशोक लेलैंड पे। तो अशोक लेलैंड का शेयर अच्छे हाइज बना है लेकिन अब थोड़ा ठंडा हो गया है, कोई बड़े ट्रिगर्स भी इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं टाटा मोटर्स के सीवी के हेड से बात कर रही थी और उनका खुद का कहना है कि स्पैपेज पॉलिसी को लेकर बहुत ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ रही है, शायद फाइनेंशियल ईयर 19 के एंड में या फिर फाइनेंशियल ईयर 20 के स्टार्ट में कुछ आपको दिखाई देगा। सो स्पैपेज पॉलिसी जो एक बहुत बड़ा ट्रिगर था अशोक लेलैंड के लिए वो तो नहीं है पॉसिबल इस वक्त, लेकिन हाँ सेल्स ऐसे चल रहे हैं तो उसके कारण क्या शेयर में भी मजबूती दिखाई देगी? देखिए ये शेयर हम काफी लोअर लेवल से ट्रैक कर रहे हैं और ऑलरेडी एक मल्टी बैगर तो साबित हो चुका है, इसके बाद व्यू यही है कि अभी और आगे चलेगा, इकोनॉमी की रिकवरी के साथ चलेगा, कमर्शियल व्हीकल पे व्यू पॉजिटिव है, सरकार की ओर से डिफेंस की खरीदारी को लेकर व्यू पॉजिटिव है, अर्बनाइजेशन के हिसाब से जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से खरीदी आती है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच हुआ पहला। दूसरा, पिछले रिजल्ट लोगों को पसंद नहीं है और आप तो ये सेक्टर बहुत करीब से ट्रैक करती है तो आपको अंदाजा है कि उस रिजल्ट के बाद डिसअपॉइंटमेंट आया है और ऐसे में अब जब तक कमेंट्री पॉजिटिव नहीं हो जाती, कुछ गाइडेंस पॉजिटिव नहीं हो जाता या अगले नतीजे अच्छे नहीं आ जाते तब तक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहेगा, तो ये हल्का हो रहा है और इसमें कुछ बुरा नहीं है, लंबी अवधि के निवेशकों को मौका दे रहा है, ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन के दौरान खेलने के मौके बनते हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत ज्यादा टूट जाएगा, लेकिन मार्केट का मूड भी अच्छा नहीं है इस समय, और तो ऐसी स्थिति में जब तक मार्केट भी क्लियर रिवर्सल का साइन नहीं देता ये स्टॉक फिर से 150 के ऊपर 160 की तरफ निकल जाएगा, ऐसा आप मत मानिए, एक रेंज में घूमेगा, कंसोलिडेट करेगा और अगले ट्रिगर की तलाश रहेगी। अगर आपका लंबा नजरिया है बने रहिए, कोई घबराने की बात नहीं है, अगर मिलता है नीचे, मुझे लगता है 110-115 तक के लेवल किसी वजह से नीचे दिखाई दे तो वहां पर थोड़ा और भी लिया जा सकता है, अगर आप ये सोच के लें कि ट्रेड ही कर रहे हैं, आपके जो लॉन्ग टर्म के शेयर पड़े हैं वो पड़े हैं, कुछ और शेयर आपने शॉर्ट टर्म में लिया और उस पर अगर आप 20-25% कमा लेते हैं 6 महीने में तो कोई बुराई नहीं है। ओके, और स्पाइसजेट के लिए क्या व्यू बन रहा है, क्या स्पाइसजेट एविएशन शेयर्स में सबसे बेस्ट शेयर अभी रहेगा? एविएशन के स्टॉक देखिए पूरी तरह से ऐसा लग रहा है हमें कि वो क्रूड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं इस वक्त, और क्रूड की चाल के ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं बहुत आराम से, इन्वेस्टमेंट का व्यू काफी वक्त के बाद बनने लगा था लेकिन अब फिर से ऐसा लगता नहीं कि बाजार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस सेक्टर को लेकर के, और ऐसी स्थिति में शायद ये सबसे अच्छा स्टॉक या सेक्टर नहीं है बाजार में इस समय निवेश करने के राय से, ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है लेकिन थोड़ा सा ऑफ फेवर हो गया है, मुझे लगता है थोड़े कंसोलिडेशन के बाद फिर से आपको यहाँ मौका मिलेगा और रिलेटिवली छोटा सेक्टर है इसलिए ऐसा भी लगता है कि ये छोटे फंड्स प्रेफर करते हैं या PMS में इसको ज़्यादा जगह मिलती है और वो जो सेगमेंट है ना वो इस समय थोड़ा सा वीक है, तो जो इनके कोर इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा ऑफलोडिंग के मूड में है इसलिए यहाँ पर दबाव है। अगर आप एविएशन की स्टोरी को भारत में खेलना चाहते हैं, अगर आपको वो कॉन्फिडेंस है तो आप पैसे लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा इंतजार करने के लिए तैयार रहिएगा, 3 महीने के व्यू से क्या ये सेक्टर आपको रिटर्न देगा मुश्किल लगता है, 2 साल के व्यू से अगर ये सेक्टर रिटर्न नहीं देगा तो मुझे ज्यादा सरप्राइज होगा। मैं एक व्यू देना चाहती हूँ, अगर फर्स्ट वीक ऑफ कोई भी महीने के फर्स्ट वीक में अगर ये शेयर्स खरीदे तो काफी अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि कंपनियां या फिर सेक्टर का ट्रैफिक ग्रोथ डेटा आता है और क्योंकि अभी इस वक्त समर वेकेशन गया तो बेहद ही स्ट्रॉन्ग आया था, लोगों ने विमान से उड़ान ही किया है ज्यादातर, वो एटलीस्ट ग्रोथ फिगर में दिखाई दे रहा है और जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो भी यही बता रहा है कि आगे भी ग्रोथ बेहद ही मजबूत रहने वाला है, क्योंकि जो लोग रेलवे से प्लेन में शिफ्ट हो चुके हैं वो वापस रेलवे में नहीं जाना चाहते, तो उसका बड़ा फायदा मिलेगा, वहीं जाते हैं जहां पे एयरपोर्ट नहीं होता। बिल्कुल सो वो एक बड़ा फायदा है, सो मैं कहूंगी कि ट्रेडिंग के लिए अगर आप अगर वो करना चाहते हैं जो आप कह रहे थे तो फर्स्ट वीक या मैक्स सेकंड वीक के फर्स्ट हाफ में डेटा आ जाता है तो उस पे आप खेल सकते हैं, अगर आप सीएनबीसी आवाज की रिसर्च एनालिस्ट हैं जी हां, तो ये एक इंटरेस्टिंग इनसाइट है जो ये लेकर आई है, लेकिन देखिए क्रूड के दाम किस हफ्ते में बढ़ेंगे इसका ठिकाना नहीं होता है, तो ये सेल्स का डेटा तो हफ्ते शुरुआत में आता है महीने की, उसको आप जरूर ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा एक भी यहाँ पर मेरा और भी है कि शायद 2-3 महीने का पेन यहाँ पर बाकी है जो इसका एक लंबा साइकिल होता है मैंने जो देखा है, तो अगर आप अगस्त सितंबर के बाद से ऐसी उम्मीद है कि तब तक क्रूड पे भी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी और तब तक थोड़ा सा डिमांड पुश आपको सिस्टम में और मिल जाएगा, इलेक्शन और करीब होंगे उसके चलते, तो तब उस दौर में ये स्टॉक आपको बॉटम आउट होते हुए नजर आएंगे, तो
तो बहुत जल्दबाजी नहीं, इसीलिए मैंने व्यू दिया, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल बन रहा है बंधन बैंक पे, इस पे टारगेट क्या बन रहा है? पवेल पॉल जी पूछ रहे हैं यहाँ पर। बहुत मुश्किल है देखिए बंधन बैंक पे टारगेट देना। बंधन बैंक पे खरीदारी करनी चाहिए, इस पे आपको दरअसल एवरेजिंग भी करनी चाहिए। कभी भी ये स्टॉक अपने हाई से, जो भी हाई हो, वहाँ से 10% नीचे मिले, 20% नीचे मिले, 30% नीचे मिले, वहाँ पर खरीदिए। धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए और बने रहिए। और यही व्यू है मेरा कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक में भी। पिछले 18 साल से मैं जर्नलिज्म में हूँ और पिछले 18 सालों में देश में सिर्फ 4 बैंकों को लाइसेंस मिले हैं। कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक को 2002 में मिले थे। आज वो कहाँ हैं आप देख रहे हैं। बिल्कुल। और अब दो नए लाइसेंस आए हैं, IDFC बैंक और बंधन बैंक। और इस समय आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि PSU बैंक पिछड़ रहे हैं इस दौर में। तो भविष्य इनका ही है। लेकिन वो पता नहीं, ये स्टोरी अगर कोई ये मुझे कहता है ना कि मुझे 6 महीने के लिए प्ले करनी है, तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी है। आप अफसोस करेंगे उन लोगों की तरह जिन्होंने सोचिए कोटक महिंद्रा बैंक 400 रुपए पे बेच दिया होगा और उसके बाद बोनस सब कुछ होने के बाद फिर आज वो स्टॉक कहाँ पे है। तो वो गलती मत कीजिए, इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कीजिए और आराम से बैठ जाइए, सो जाइए। चलो ठीक है, बेहतरीन शेयर रहेगा, हर गिरावट में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अच्छा, धर्मेंद्र यादव जी पूछ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, इस पे क्या व्यू बन रहा है? मैं मिड कैप का एक लिंक कर रही थी प्रदीप, और उसके अंदर है ना, मैं बहुत सरप्राइज थी कि मोतीलाल जो काफी ग्रो कर रहा था मार्केट में, हम काफी वक्त से या फिर एक कंसेंसस बाय हुआ करता था ये शेयर, उस शेयर ने इस मिड कैप फॉल में एक भारी गिरावट दिखाई दी, वन ऑफ द टॉप लूजर्स में से था। तो मोतीलाल के साथ क्या हो रहा है और टारगेट क्या अब बनते हैं इस स्टॉक के लिए? लेकिन सारे स्टॉक्स की जो भी हम बात कर रहे थे, कोटक महिंद्रा बैंक की मैंने बात की, आप बजाज फाइनेंस ले लीजिए इसी सीरीज में, आप एडलवाइस ले लीजिए इसी में, और मोतीलाल ओसवाल, इन सारे कंपनीज को जो प्रीमियम मिलता है वो मैनेजमेंट क्वालिटी के लिए एक प्रीमियम मिलता है। तो बाजार जब आपको प्रीमियम देता है तो आपकी गलती के लिए जल्दी माफ भी नहीं करता। और हमने देखा कि जिस तरह से इनको अपने प्रॉपर्टी लोन के कारोबार में काफ़ी हद तक नुकसान उठाना पड़ा, कुछ इन्वेस्टमेंट में कुछ कमियां रह गई ऐसा कहना चाहिए, तो बाज़ार को वो पसंद नहीं आया। और इस वजह से ये एक पनिशमेंट है, काफ़ी सीवियर पनिशमेंट है जो इस स्टॉक को मिल रही है। अगर आप देखिए, इसका एसेट मैनेजमेंट का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, इसके सामने प्योर इक्विटी ब्रोकरेज का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे कारोबार काफ़ी अच्छे हैं, और एसेट मैनेजमेंट के बारे में तो लोग ये मानते हैं कि आगे चल के शायद ही आपको एक अलग कंपनी के तौर पे नज़र आए। लेकिन आप ध्यान देने वाली बात ये भी है कि उसी होम लोन के कारोबार की वजह से भी इस स्टॉक को एक प्रीमियम मिला था। तो वो जब आप SOTP वैल्यूएशन निकालते हैं, तो SOTP वैल्यूएशन में क्या होता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़ का, तो उसकी वैल्यू 1000 करोड़ है, ठीक है। लेकिन अगर मेरी 1000 करोड़ की कैपिटल मैंने एक NBFC में डाली है, तो मैं उसको 10 times लेवरेज करता हूँ। तो बाजार ये कहता है कि 1000 करोड़ डाल के ये 10000 करोड़ का बिजनेस करने वाले हैं, और वो 10000 करोड़ के बिजनेस को वो एक्स वैल्यूएशन दे देते हैं। और जब वो सारा वैल्यूएशन निकल जाता है स्टॉक में से एक बार, तो इस तरह के झटके आते हैं। थोड़ा सा बात कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये फाइनेंशियल में, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एक फंड मैनेजर ने मुझे इसी तरह से एक्सप्लेन किया जिनका इसमें स्टेक था। तो अब ये थोड़ा वक्त इसको एडजस्टमेंट होने में जाएगा, अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है कुछ वक्त तक जारी रहे, और कैचअप करने में उस वैल्यूएशन के साथ थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन जो बाकी के कारोबार हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये बिजनेस भी मैनेजमेंट की उम्मीद है और एनालिस्ट की भी उम्मीद है कि जल्दी वापस ट्रैक पर आएगा, लेकिन वक्त कितना लगेगा ये बताना थोड़ा मुश्किल। ओके, मेटल स्टॉक्स पे काफी सवाल आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हिंडाल्को लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा? शिव विनोद जी पूछ रहे हैं, और राघव सोमानी जी पूछ रहे हैं वेदांता पे क्या व्यू रहना चाहिए। तो दोनों स्टॉक्स पे क्या व्यू बनता है इस वक्त? वेदांता और दूसरा हिंडाल्को। बेस मेटल साइकिल के साथ चलते हैं ये, तो आप बेस मेटल को ट्रैक करिए, उसके हिसाब से ही आपको प्ले करना है। कमोडिटीज का आउटलुक क्या इस वक्त पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है, कमोडिटीज़ के दाम बढ़ने की पूरी उम्मीद है, ग्लोबल ग्रोथ पूरी तरह ट्रैक पर है, लेकिन ओवरहीटेड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक शानदार तेज़ी के बाद थोड़ा सा कमोडिटी मार्केट कंसोलिडेशन के मूड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको इन स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा, या आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बने रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की उम्मीद इनसे रखते हैं, तो आप
के लिए ट्रेडिंग का व्यू ज़्यादा मुझे लगता है कि मुफीद होगा इन स्टॉक्स के लिए, क्योंकि देखिए ये ग्लोबल कमोडिटी मार्केट के साथ ही चलते हैं। अगर आप उस मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो आप हमेशा इन स्टॉक्स में अच्छे पैसे बनाएंगे। ओके, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। मानशु नीलम कपूर जी पूछ रहे हैं जीएनएफसी और डेल्टा कॉप, इन दोनों पे क्या व्यू बनता है, जीएनएफसी और डेल्टा को? मुश्किल सवाल है। जीएनएफसी में आपको ख्याल होगा कि इसके एक प्रोडक्ट के बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस हाइक की वजह से हमने तेजी देखी थी, तो वो अभी भी व्यू पॉजिटिव बना हुआ है। इसकी वजह है कि केमिकल्स के मामले में चाइना की जो पॉलिसी है वो अपनी जगह पे लगातार चल रही है और वो एक के बाद एक अपनी इंडस्ट्रीज को कम कर रहे हैं, जो जहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उसका फ़ायदा इंडिया में केमिकल कंपनीज़ को, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को, इलेक्ट्रोड कंपनीज़ को मिल रहा है, जो शायद मिलता रहेगा। उस लिहाज से व्यू पॉजिटिव बनता है यहाँ पे। डेल्टा कॉप का जहाँ तक सवाल है, उस पर मैं हर रोज़ आता है ये सवाल और हर रोज़ मैं एक ही जवाब देता हूँ, तो जो लोग रोज़ सुनते हैं उनको लगता होगा कि मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए, डेल्टा कॉप में उन लोगों ने पैसा बनाया है, मेरे जानने वाले बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों ने स्टॉक को ले लिया और 5 साल 10 साल से लेकर बैठे हुए, जिन्होंने बहुत नीचे के लेवल पर लिया था। दूसरे उन लोगों ने पैसा बनाया है जो कभी भी, ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, 25% का करेक्शन होता है, कई बार 50% का करेक्शन भी होता है, और आप पिछले 2 साल में देखिए कितनी बार हुआ है। जब उस तरह की गिरावट आती है तो वहाँ पर एंट्री लेते हैं। जिन लोगों ने पैसा नहीं बनाया है वो भी बता दूँ, जो लोग 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते 1.5 हफ्ते का व्यू लेकर स्टॉक को ट्रैक करते हैं वो अक्सर पैसा गमाते हैं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट इस स्टॉक में फेल हो जाते हैं। पता नहीं क्यों आपको ब्रेकआउट दिखता है और तभी ये स्टॉक उलट जाता है और इतनी जोर से गिरता है कि आप संभल नहीं पाते। तो उस लिहाज से आप थोड़ा वो स्ट्रेटेजी रखिए जो दो मैंने बताई, तेजी से गिरे तब खरीदिए, अच्छा उछाल आए वहां से फिर निकलिए, फिर इंतजार कीजिए, फिर मौका देगा ये स्टॉक, बार बार मौका देता है। चेस किए बिना अगर आप इसको थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो इसमें पैसे जरूर बनेंगे। चलिए, आखिरी सवाल, क्या कल के लिए कोई रणनीति ऑलरेडी बना लेनी चाहिए या फिर नहीं, पहले डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर का एक जो भी डिटेल्स आते हैं वो पहले देख ले, उसके बाद हम कोई रणनीति बनाएंगे? देखिए, रणनीति कल की एक ही है साफ तौर पे, कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको वार्न किया था कि बाजार करेक्शन की तैयारी में है, 2:30 बजे आज हमने फिर से कहा था कि मार्केट टॉप होता हुआ लग रहा है, हो गया। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन बुल मार्केट में जैसे होता है वो हो रहा है। तो कल के दिन अगर बाजार 50-60 पॉइंट नीचे निफ्टी खुलता है तो शायद अपना सपोर्ट काफ़ी करीब आ जाएगा और वहाँ पर आप एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छी गिरावट पे कल आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, नॉर्थ कोरियन स्टॉक्स की चिंता किए बिना भी, और या फिर दिन के दौरान बहुत जरूरी है कि पिछले हफ्ते सारे के सारे मिड कैप्स चल गए, HCC में भी उतनी ही तेजी देखने को मिल रही थी जितनी की L&T में देखने को मिलती है, तो वो तो नहीं हो सकता ना। तो आप ऐसे सारे स्टॉक्स की पिटाई शुरू हो गई है, JP ग्रुप की फिर से पिटाई शुरू हो गई, ये अच्छी बात है और ये पॉजिटिव साइन है। कमजोर स्टॉक थोड़ा टूटेंगे, अच्छे वाले स्टॉक चलेंगे, वहाँ पर आप पैसे लगाएंगे तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व आज भी 52 भी हाई पे बन रहे हैं। बिल्कुल, तो क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहे और हमारा चैनल तो आप देख ही रहे हैं। प्रदीप, यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, हम लोग को बहुत लोग मैसेज करते हैं कि हम उनका सवाल नहीं ले पाते, तो प्लीज हमसे नाराज मत होइए, हम आपका सवाल जब मिलेगा तब डेफिनेटली लेंगे, हमसे नाराज मत होइए। एक बात है, रिपीटेडली वही सवाल बार बार आते हैं,